हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का एक बार फिर से तनु फूड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दही प्याज बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगा है। मैंने यहाँ पर 3 प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं और प्याज को अब हम फ्राई कर लेंगे और 2 से 3 बारीक हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मसाले को फ्राई कर लेंगे। मसाले फ्राई हो गए हैं, अब गैस बंद करके प्याज को ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज ठंडी हो गई है, अब हम प्याज में 1 कटोरी दही डाल देंगे। दही मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ लिया है। दही को अब हम प्याज की ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दही प्याज गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दही की कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर दही प्याज की सब्ज़ी में पानी को डाल दिया है और एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने गैस ऑन करके 10 से 15 सेकंड के लिए दही प्याज की सब्ज़ी को गर्म कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड हो गए हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है। दही प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हम दही प्याज की सब्ज़ी को सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।